अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स 10th एडिशन है, हैलिडे रेज़निक वॉल्कर है हमारे पास। चैप्टर 2 चल रहा है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, प्रॉब्लम नंबर 44 है। अब इसके मुताबिक आपके पास एक जानवर है आर्मलेडो। अब ये ऊपर की जानी छलांग लगाता है, फर्ज करते हैं 0.544 मीटर इस ऊपर गया पहले कितने 2 सेकंड्स के अंदर, 0.200 सेकंड्स के अंदर। अब हमसे उसकी इनिशियल स्पीड पूछी जा रही है जिससे वो ग्राउंड को छोड़ेगा, फिर उसकी स्पीड पूछी जा रही है एट द टॉप मोस्ट लेवल जो उसके मुताबिक है 0.544 मीटर में, और कितना ऊपर ये जाएगा। तो मुद्दे की बात है, अब चूंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो मैंने ए को माइनस जी कर दिया, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने का टेकिंग डाउन एज नेगेटिव वाई डायरेक्शन के लिहाज से, यानी हमने बेसिक कंसेप्ट लिया है। ग्राउंड लेवल को हम ओरिजिन मान लेते हैं। अब उसने जो छलांग लगाई हाइट उसकी है 0.544 मीटर, टाइम आपके पास 0.2 सेकंड। अब अगर हम उसकी दूरी देखें कि भाई आपके पास इनिशियल स्पीड उसकी क्या है, तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर लेते हैं, इसको अपनी सूरत हाल में तब्दील कर लेते हैं, y बराबर आ जाएगा वी नॉट टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्केयर। अब मुझे इनिशियल स्पीड चाहिए तो वी नॉट चाहिए, यहां से वी नॉट को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। अब क्या है जनाब, ये नेगेटिव वाला फैक्टर है, दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का टी दूसरी तरफ से डिवाइड करेगा, सारी वैल्यूज मालूम है, वो वैल्यूज प्लेस करेंगे 3.70 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल स्पीड पता लग गई। अब उसकी वेलोसिटी जो 0.544 मीटर पे है, तो हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी इस टूल से निकल आती है, वी एफ बराबर होता है वी ए प्लस ए टी को अपनी सूरत हाल के मुताबिक हम वी नॉट कर देंगे, इसे माइनस जी टी कर देंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाल ली थी, g की वैल्यू भी हमें पता है, t की वैल्यू भी पता है, तो 1.74 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। फिर आपके पास उससे थर्ड बार पूछा कितना हायर ये जाएगा, तो वी एफ स्केयर बराबर है वी ए स्केयर 2s। अब आपको इसको अपने लिहाज से बदल लेते हैं, वी स्केयर बराबर आ जाएगा वी नॉट स्केयर जो कि इनिशियल वेलोसिटी है प्लस 2 माइनस डी वाई। अब मुझे वाई रिक्वायर्ड है, ये दूसरी तरफ जाके नेगेटिव का हो जाएगा। अब आपके पास फाइनल वेलोसिटी तो हम कह सकते हैं ना हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये अब आपका नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो वी नॉट स्केयर ओवर 2g वैल्यू सारी मालूम है, तो 0.698 मीटर। तो जनाब उसने जो 0.698 माइनस 0.544, तो वो 0.154 मीटर हायर जाएगा, यानी जो उसने हायर कितना हायर वो जा सकता है तो इतना हायर वो जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।